एप्पल का नाम आपने सुना है, एप्पल बहुत बड़ा ब्रांड है। अब हम पाकिस्तान से ना एप्पल की एयरबड्स मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं। हम 50 पीस हमने उठा लिए, 50 पीस हमने बाय करने के बाद अब हम जो पाकिस्तान से ले रहे हैं अब उसको हमने शिप करवाना है अमेजोन FBA के लिए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 स्टेप, क्या मुझे इसके लिए इनवाइस चाहिए होगी? और जो इनवाइस चाहिए वो मुझे इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस बिल्कुल चाहिए होगी। और पाकिस्तान के अंदर अगर मैं किसी भी मार्केट प्लेस से लेता हूँ तो वो तो मुझे बिल, कच्चा बिल जो जिसे हम कहते हैं, वो बिलिंग इनवाइस हाथ की बना के मैन्युअली दे देते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं किस तरीके से सेल कर सकता हूँ? देखिए अनिस भाई, सबसे पहले तो आपने इतने बड़े ब्रांड का नाम ले दिया है एप्पल का, इसके अंदर मैं समझता हूँ आपके सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है। वो इसलिए कि अगर हम एप्पल की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये आया था हमारा होलसेल के मॉडल के अंदर, कि अगर हम होलसेल मॉडल में काम कर रहे हैं तो उसमें हम डिफरेंट ब्रांड सेल करते हैं, और ब्रांड सेल करने के लिए हमें हमारे पास ब्रांड के ऑथोराइजेशन लेटर होना चाहिए, ब्रांड की परमिशन होनी चाहिए, देन हम उसकी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब अगर हम एप्पल का कोई भी एयरबड्स वगैरह अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमें पाकिस्तान से भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारे पास एप्पल का ऑथराइजेशन लेटर है, एप्पल की परमिशन है, हम अमेरिका से ही परचेज करेंगे और अमेरिका में ही अमेजोन के वेयर हाउस रखवा देंगे, पाकिस्तान से भेजने की उसको ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे पास ब्रांड का ऑथराइजेशन ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर होगा, सो तो देन इतना बड़ा ब्रांड है वो हमें प्रॉपर एडवाइस भी देगा, कच्ची एडवाइस हमें नहीं देगा। इस तरह से हम अपनी जो है ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।